नमस्कार दोस्तों। यानी जी, काफ़ी लोग घर में मार्बल लगाने का शौक रखते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या घर में मार्बल लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस मिथ्या का प्रचार कर रहे हैं कि घर में मार्बल नहीं लगा सकते हैं। उनका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि चूंकि मंदिरों में मार्बल लगा है, क्योंकि मंदिरों में मूर्तियां जो हैं वो मार्बल की हैं, तो ये शायद प्रभु के लिए प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल इंसान नहीं करेगा। क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आता है जी। मतलब ये हो गया कि भगवान ने ये कह दिया कि मकराने का जो मार्बल है वो मार्बल मेरे लिए है, और रामगंज मंडी में जो कोटा स्टोन है वो कोटा स्टोन इंसान के लिए है। मतलब ये है कि नैनीताल का जो तालाब है वो मेरे लिए है, और शिमला में जो तालाब है वो इंसानों के लिए। प्रभु ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। प्रभु कहते हैं इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो इंसानों के लिए है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप उसका आनंद लीजिए, बशर्ते आप उसका प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, उसको मिसयूज़ मत कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इतना मिसयूज़ कर रहे हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो अब ख़राब होने लगी है, और हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमारे आने वाले बच्चे हमें कहेंगे कि आप लोगों ने इस पृथ्वी का क्या हाल कर दिया, आप लोगों ने हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ा ही नहीं, आपने हमारे लिए पानी छोड़ा ही नहीं, ये तपती धूप आप छोड़ कर गए हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम, ये हमारी जागीर नहीं है जो पुश्तैनी आ रही हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने हमारे आने वाले बच्चों से उधार लिया है, हमें उनका उधार ठीक से वापस करना है। अगर मैं आपसे कैमरा लेता हूँ 2 दिन यूज़ करने के लिए, तो ये मेरी जवाबदारी है कि वो कैमरा मैं आपको सही सलामत वापस कर दूँ, मैं उसको ख़राब करके आपको वापस नहीं कर सकता हूँ। ये एनवायरनमेंट हमने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हमने हमारे बच्चों से उधार लिया है, हमें उसको ठीक ठीक उनको वापस देना है, हम खराब करके उनको नहीं दे सकते हैं। मार्बल घर में यूज किया जा सकता है, ये सोच कि मार्बल घर में नहीं यूज किया जा सकता है इसका कोई वजूद नहीं है। मैंने कई शास्त्री देखे हैं जिन्होंने लोगों के घर के मार्बल तुड़वा दिए हैं, 20 लाख रुपए का खर्चा करवा के ये कह करके कि मार्बल आपके घर में इसलिए आपको पीड़ा है, मार्बल निकालो कुछ और लगाओ। ऐसा नहीं है भाई, आप कोई भी फर्श लगा सकते हैं। सिर्फ एक ग्रेनाइट के लिए मेरा यह है तर्ज कि आप ग्रेनाइट मत लगाइए, वो बहुत ही हार्ड स्टोन है। दूसरी एक बात बता दूं कि मंदिरों में मार्बल का इस्तेमाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मार्बल एक ऐसा पत्थर है जिसमें जो शिल्पकार हैं, जब उन्होंने मार्बल को देखा तो उन्होंने कहा कि क्या बढ़िया पत्थर है, हम इसमें हमारी कारीगरी बहुत खूबसूरती दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में जो शफा है उस शफा को हम बहुत खूबसूरती से पेश कर सकते हैं, हम आपको इसमें ऐसी मूर्तियां बनाकर देंगे कि आप देखते रह जाओगे। और उन्होंने ये देखा कि इस पत्थर की लाइफ बहुत है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, चाहे अजंता एलोरा है चाहे प्राचीन मंदिर हैं, वो सारे पत्थर में बने हुए हैं, लेकिन सालों साल में ये पत्थर धीरे धीरे खंडित होने लगे हैं, वो मूर्तियां अब खंडित होने लगी हैं, पत्थर की लाइफ नहीं है और वो मूर्ति इतनी खूबसूरत नहीं दिखती है। मार्बल की मूर्ति बहुत खूबसूरत दिखती है। तो जब से मार्बल की खोज हुई तब से मार्बल मंदिरों में इस्तेमाल होने लगा, प्राचीन नियम नहीं है। मार्बल तो अभी 700-800 हजार साल पहले मिला, मार्बल नहीं होता तो शायद ताजमहल नहीं बनता, ताजमहल बना ही मार्बल के लिए क्योंकि कारीगर उसमें अपनी शफा दिखा सकते थे। जो मीनाकारी ताजमहल में हुई वो सिर्फ मार्बल में संभव थी, जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मार्बल के गुण हैं। दूसरा एक गुण है मार्बल का, उसे कहते हैं संगमरमर, मतलब वो पत्थर जो 4 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर से ठंडा है। संगमरमर का मतलब यह है कि पत्थर के पीछे अगर आप अपना हाथ घुमाओगे तो आपको अपनी हाथ की परछाई दिखेगी, ये ट्रांसपेरेंट स्टोन है, इसका गुण ऐसा है, और वो ठंडा है। तो आपने मंदिर में इस्तेमाल क्यों किया,
क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपके 5 senses एक्टिवेट हो जाएं। 5 senses कौन से? आंख, कान, नाक, जीभ और टच। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो आपकी आंख के सामने प्रभु परमात्मा की मूर्ति है, तो आपकी आंख एक्टिवेट हो गई कि मैं मंदिर में हूं। अगरबत्ती और घी का दिया जल रहा है, आपका नाक एक्टिवेट हो गया कि मैं मंदिर में हूं। मुंह पर प्रभु परमात्मा का, जीभ पर प्रभु परमात्मा का नाम है, तो जीभ एक्टिवेट हो गई कि मैं मंदिर में हूं। बेल बजा, आपने बजाया, कईयों ने बजाया, आपका कान एक्टिवेट हो गया, मैं मंदिर में हूं। सवाल यह था कि टच को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो आप जूते उतार के जब मंदिर में गए, आपने फर्श पर पांव रखा, संगे मरमर पर पांव रखा, मार्बल पर पांव रखा, बहुत ठंडा लगा आपको और आपका टच एक्टिवेट हो गया और उसने कहा मैं मंदिर में हूं। मतलब पांचों इंद्रियां केंद्रित हो गई पूजा प्रार्थना में, अर्चना में, इसलिए भी मार्बल का इस्तेमाल हुआ। पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप घर में मार्बल नहीं यूज कर सकते। थैंक यू।